आज हम बनाने जा रहे ताजे पुदीने का स्वाद और थाइम के फ्लेवर से भरपूर स्पाइसी पुदीने का रायता। ये रायता भी बहुत फटाफट घर में बन जाता है और अभी पुदीने का सीजन भी है, तो मिंट का फ्लेवर किसे पसंद नहीं होगा, हर किसी को बहुत पसंद आता है। इसके लिए हम लेंगे आधा कप पुदीना, अच्छे से धो के हमें साफ करना है और उसके पत्ते निकाल देने हैं। एक से दो हरी मिर्च लेनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप एक मिर्ची भी ले सकते हो, और हमने ये जो मिर्ची ली है वो बिल्कुल भी तीखी वाली मिर्ची नहीं है। 2 टेबलस्पून हमें लेना है नींबू का रस, 1/4 टीस्पून लेना है हमें थाइम, और 1 टीस्पून लेना है सेंधा नमक, और 1 कप हम लेंगे पीनट कर्ड। ये कर्ड इतना पसंद आता है और हमारे घर में तो ये कर्ड हर रोज रहता ही है, हम कुछ ना कुछ इससे बनाकर खाते हैं। ये कर्ड ऐसा है ना कि बनाने में भी आसान है, पचाने में भी आसान है और फटाफट बन भी जाता है। तो अभी ये सारी चीज़ें भी हमारी तैयार है पुदीने के रायते के लिए, और बहुत पसंद आता है ये रायता हमें खाने को भी। इसके लिए पुदीना हमें बारीक बारीक कटिंग करना है, हमारे पास चॉपर है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पर बहुत बारीक बारीक पुदीने को काटना है, उसकी चटनी नहीं बनानी है मिक्सर में। और साथ में मिर्ची भी डाल देनी है, अगर आप बारीक कट रहे हो तो मिर्ची को भी बारीक बारीक कटिंग कर सकते हो आप। हमने ले लिया दही, ये हमारा वीगन कर्ड है। आपको हमेशा हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि आपके लिए आसान हो जाए, कि अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने हैं तो भी आप छोड़ सकते हो। अभी हमने ऊपर से ले लिया 2 टेबलस्पून नींबू का रस, रॉक सॉल्ट ले लिया हमने, थाइम पाउडर डाल दिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये रायते में। और ये देखो, ये जो पुदीना हमने बारीक ऐसा कटिंग किया है या तो फिर चॉपर में किया है ना, तो ये खाने में इतना छोटे छोटे पीसेस मुंह में आते हैं, तो वो मिंट का टेस्ट रायता ख़त्म हो जाता है, पर वो टेस्ट मुंह में ही रह जाता है, इतना अच्छा ये टेस्ट आता है हमें, और फटाफट बन जाता है। देखो, दो ही चीज़ से हमारे घर में कोई भी आता है मेहमान तो हम नया रायता टेस्ट करा सकते हैं, बना के खिला सकते हैं, वो लोग भी बहुत पसंद करेंगे। और भी आपको हमने आगे भी वीडियोस में बताए हैं कि वीगन कर्ड से कितने अच्छे अच्छे रायते बना सकते हैं हम, स्वीट एंड सॉल्टी भी बना सकते हैं, स्पाइसी भी बना सकते हैं, क्रंची भी बना सकते हैं, और भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आप हर दिन में एक रायता आपके डिश में, आपके लंच में ऐड कर सकते हो, और ये भी आप ज़रूर ट्राई करना और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और भी कुछ आपको चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हो।